రాజ్యసభలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. आयुष्मान कार्ड देकर के अस्पताल में बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति का रास्ता हमने खोल दिया है. आदरणीय सभापति जी, बेटी का संपत्ति पर अधिकार हो, इसलिए हमने सरकार की तरफ से जो आवाज देते हैं उसमें बेटी के राइट को निश्चित किया, उसके नाम पर प्रॉपर्टी करने का काम किया. हमने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी माताओं बहनों को जो भी छोटी मोटी बचत कर ले, मुसीबत झेल करके बचत करना माताओं बहनों का स्वभाव होता है और वो घर में अनाज के डिब्बे में पैसे रख करके गुजारा करती है. उस मुसीबत में निकाल के हमने उसको जनधन के खाते दिए, बैंक में पैसा जमा करे इसकी व्यवस्था कर दी. और आदरणीय सभापति जी, इस बजट सत्र के लिए तो गर्व की बात है कि बजट सत्र का प्रारंभ महिला राष्ट्रपति के द्वारा होता है और बजट सत्र का विधिवत प्रारंभ महिला वित्त मंत्री के अवसर पर होता है. देश में ऐसा संयोग पहले कभी नहीं आया जो आज आया है. और हमारा तो प्रयास रहेगा कि ऐसे शुभ अवसर आगे भी देखने को मिले. आदरणीय सभापति जी, जब देश को आधुनिक होना है, नए संकल्पों को पार करना है, तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को नकार नहीं सकते. साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को हमारी सरकार भली भांति समझती है, लेकिन हम टुकड़ों में नहीं सोचते, हम टोकनिज्म में नहीं सोचते हैं. हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में काम कर रहे हैं, सार्वत्रिक प्रयास कर रहे हैं, अनेकविध इनिशिएटिव ले रहे हैं. और इसलिए बचपन में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब, ये वैज्ञानिक सोच के निर्माण के लिए स्कूल के लेवल पर बच्चों को हमने अवसर दिया. उससे थोड़ा आगे निकले, बच्चा कुछ करना शुरू कर रहे, तो हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर खड़े किए ताकि कुछ अगर अच्छी प्रगति की है तो उसको वो वायुमंडल मिले ताकि वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए वो खोज वो इनोवेशन काम आ जाए. इसके लिए हमने विज्ञान की इस प्रगति का परिणाम हमने नीतियां बदली. स्पेस के क्षेत्र में अब प्राइवेट भागीदारी का हमने सपना पूरा किया और मुझे खुशी है मेरे देश के नौजवान आज प्राइवेट सैटेलाइट छोड़ने की ताकत रखते हैं. ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज स्टार्टअप की दुनिया जो मूलतः साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उसमें यूनिकॉर्न की संख्या में आज हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. आदरणीय सभापति जी, आज ये देश गर्व करेगा कि सर्वाधिक पेटेंट इनोवेशन और दुनिया के बाजार में टिकता है पेटेंट, ये सबसे अधिक पेटेंट रजिस्टर करने में आज मेरे देश के नौजवान आगे आ रहे हैं. आदरणीय सभापति जी, आधार की ताकत क्या होती है वो हमारी सरकार ने आगे दिखा दिया है. और आधार से जुड़े हुए जो विद्वान लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि आधार के महत्व को, टेक्नोलॉजी के महत्व को 2014 के बाद समझा गया और उसके कारण वो मेहनत अब रंग ला रही है. हमने देखा है कोविड के काल में कोविन प्लेटफॉर्म, 200 करोड़ वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट कोविन का आपके मोबाइल पर विद इन ए सेकेंड आ जाता है. लेकिन दुनिया को अचंभा तब हुआ कि भारत अपनी वैक्सीन लेकर के आ गया है कोविड. दुनिया के लोग
अपनी वैक्सीन हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट था, बेचने के लिए भांति भांति के प्रेशर करते थे, आर्टिकल लिखे जाते थे, टीवी में इंटरव्यू दिए जाते थे, सेमिनार किए जाते थे। इतना ही नहीं, मेरे देश के वैज्ञानिकों को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कल तक प्रयास चले। और मेरे ही देश के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया में जिसको स्वीकृति मिली है इसी वैक्सीन से, मेरे देशवासियों का ही नहीं 150 देशों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरी किया। ये विज्ञान के विरोधी लोग, ये टेक्नोलॉजी के विरोधी लोग, हमारे वैज्ञानिकों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फार्मेसी की दुनिया में हमारा देश एक ताकत बन के उभर रहा है, दुनिया की फार्मेसी का हक बन रहा है। हमारे नौजवान नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, उसको बदनाम करने के रास्ते खोज रहे हैं ये लोग। उनको देश की चिंता नहीं है, अपने राजनीतिक उठापटक की चिंता है। ये दुर्भाग्य है देश का। आदरणीय सभापति जी, आज मैं बाली में था, G20 देश के समूह डिजिटल इंडिया इनको समझने के लिए लालायित रहते थे। सक्सेस को पूरी दुनिया ने प्रभावित किया है, डिजिटल लेन देन में आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमें खुशी है आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मेरे देशवासियों के हाथ में है। आदरणीय सभापति जी, एक समय था हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज गर्व है मेरा देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। 5G हो, AI हो, IoT हो, उस तकनीक को आज देश बहुत तेज गति से अपना रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। ड्रोन, इसका इस्तेमाल सामान्य जीवन में हो, सामान्य नागरिक की भलाई हो, हमने पॉलिसी में वो बदलाव किया और दवाइयां दूर सुदूर इलाकों में ड्रोन से पहुंचाने का काम आज मेरे देश में हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को आज खेत में मेरा किसान ड्रोन की ट्रेनिंग लेकर के खेती में ड्रोन का क्या उपयोग हो आज मेरे गांव में दिखाई दे रहा है। जियो स्पेशल सेक्टर में हमने दरवाजे खोल दिए, ड्रोन के लिए एक पूरा नया विकास का विस्तार करने का अवसर हमने कर दिया। आज देश में UN जैसे लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में लोगों के पास अपने पास जमीन के घर के मालिकाना हक नहीं है, UN की चिंता है दुनिया। भारत ने ड्रोन की मदद से, स्वामित्व योजना से, गांव में घरों में उसका नक्शा और मालिकी हक देने का काम किया है। उसको कोर्ट कचहरी के चक्करों से और कभी घर बंद हो कोई आकर के कब्जा कर न ले सुरक्षा का एहसास दिया है। हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास कॉमन मैन के लिए करने की इस दिशा में सफलता पाई है। आज देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र आधुनिक विकसित भारत के सपने में उसका महत्व है समझते हैं, और इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनोवेशन इसका महत्व बहुत है। और इसलिए दुनिया की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हमारे देश में, हमने गतिशक्ति यूनिवर्सिटी बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में
एक नई पहल की है। हमने एनर्जी यूनिवर्सिटी बना करके आज देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक नया जंप लगाए। अभी से हमारे नौजवान तैयार हो, उस दिशा में हम कर रहे हैं। हमारे देश में टेक्नोक्रेट के तरफ, इंजीनियर्स के तरफ, साइंस के तरफ नफरत करने में कांग्रेस ने अपने शासन काल में कोई कमी नहीं रखी है, और साइंस और टेक्नोलॉजी को सम्मान देने में हमारे कार्यकाल में कोई कमी नहीं रखी है। ये हमारा रास्ता है। आदरणीय सभापति जी, क्या रोजगार की भी चर्चा हुई? मैं हैरान हूं कि जो अपने आप को उद्योगों भी डुबो दिया था, आजादी के बाद सर्वाधिक खादी ग्रामोद्योग के रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारे कालखंड में हुआ है। आदरणीय सभापति जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा रिकॉर्ड निवेश, चाहे रेल का काम होता हो, रोड का काम होता हो, पोर्ट का काम होता हो, एयरपोर्ट का काम होता हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनती हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, उसके लिए जो मटेरियल लगता है, उस इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। हर जगह निर्माण कार्य के अंदर मजदूर से लेकर मैकेनिक तक हर प्रकार के रोजगार की संभावनाएं, इंजीनियर से लेकर के श्रमिक तक हर किसी के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं, और उसी के कारण यूथ विरोधी नीति लेकर के चले हुए लोगों को आज यूथ नकार रहा है, और यूथ के भलाई के लिए हम जिन नीतियों को लेकर के चल रहे हैं इसको आज देश स्वीकार कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां भी ये भी कहा गया आदरणीय सभापति जी, यहां ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे हैं। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझ